अब हम चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। तो मैंने आपको कौन कौन सी गैसेस है जो कि टोपोस्फेयर के लिए पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है वो मैंने आपको बता दी। एक तो NO2, दूसरा SO2, ठीक है, फिर उसके बाद CO और CO2, ये गैसेस है बहुत खतरनाक। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। नाउ दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। ग्लोबल वार्मिंग अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सन है बेसिकली वो बहुत ज्यादा गर्म है। सूरज जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां का, लोग बोलते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां का। 6000, ओ माय गॉड। कोर में जाओगे तो और ज्यादा है, तो सरफेस का टेम्परेचर बताया गया आपको। सरफेस पर 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कोर में जाओगे तो माशाल्लाह पता भी नहीं है कितना है, ठीक है। तो वहां से क्या होती है कि रेडिएशन आता है, सारे अंतरिक्ष में फैलता है, तो वो अर्थ पर भी आता है। वो हीट, वो रेडिएशन, वो वेव्स अर्थ पर भी आती है। वो हमारे लिए अच्छी भी है, वो हमें तपिश चाहिए भी, गलत नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर वो जब वेव्स आती हैं एनवायरनमेंट में, जब वो अंदर आती है, तो जो खतरनाक वेव्स होती है वो कौन यहां से खत्म कर देता है? O3। हमें वहां तक दिक्कत नहीं है, मतलब जो खतरनाक वेव्स आ रही है सन से वो तो O3 से, यूवी वेव्स जो है वो O3 से, यानी कि ओजोन की परत से खत्म हो जाती है, वहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जितना भी पॉल्यूटेंट, जिस पॉल्यूटेंट की वजह से O3 ही खत्म हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, जिस पॉल्यूटेंट की वजह से O3 का जो लेयर हमारा खत्म हो रहा है, अब अगर जो भी वेव्स आएंगी अंदर वो एनवायरनमेंट में सीधी घुस रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सीधी घुसने के बाद वो यहां के टेम्परेचर को बढ़ा भी रही है, और ये टेम्परेचर रिलीज भी नहीं हो पा रहा एनवायरनमेंट में। क्यों? अंतरिक्ष में, स्पेस में। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि ऊपर एक लेयर बना लेती है। मतलब क्या हुआ, यहां पर हीट ट्रैप हो गया। सन से जो हीट आ रहा है उसको ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस, यही गैसेस जो मैंने आपको पढ़ाई, यही गैसेस हीट को ट्रैप कर रही है और अंतरिक्ष में जाने नहीं दे रही, जिसकी वजह से अर्थ पे बेसिकली गर्मी बढ़ते जा रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे हीट को ट्रैप हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कम नहीं किया तो हमारे लिए दिक्कत रहेगी। अब कई बच्चों को नहीं समझ में आता कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जो कि इस हीट को ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से हमारी धरती का, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन सी गैसेस हैं। तो वो गैस है, एक तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, सबको पता होना चाहिए। मीथेन, CH4 इज अ ग्रीन हाउस गैस। पानी स्टीम की फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, कई बच्चों को नहीं पता होता। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ ग्रीन हाउस गैस। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। और O3 इज अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि ट्रोपोस्फेयर में नहीं होनी चाहिए, वही ट्रैप कर रही है, वो यहां पे नहीं होनी चाहिए और वो ट्रोपोस्फेयर में बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। O3 स्ट्रेटोस्फेयर में होनी चाहिए, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होनी चाहिए। समझ में